तो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज कांग्रेस आंदोलन कर रही है मंत्रालय के बाहर। गांधी जी के पुतले के नीचे ये आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेकर कांग्रेस पर हमले किए थे कि महाराष्ट्र सरकार में जो भी खराबी है उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस है। उन्होंने ये तक सलाह दी थी कि कांग्रेस को कुछ सीखने की जरूरत है शरद पवार से। ऐसी कई तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाए थे, कई आरोप लगाए थे, एक दो नहीं कई आरोप लगाए थे उन्होंने कांग्रेस पर। जिसके बाद मोदी जी के राज्यसभा में बयान के बाद तुरंत नाना पटोले ने, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां उन्होंने कहा था कि आज महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया जाएगा। आज महाराष्ट्र के कई शहरों में आंदोलन किया जा रहा है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं मंत्रालय के बाहर। मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनाना चाहूँगी जहाँ पर वो जो आंदोलनकारी है वो बोल बोल कर शर्म करो मोदी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस अब मांग कर रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपने बयान के लिए कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको वो आवाज़ें सुनानी चाहूँगी, वो नारे सुनानी चाहूँगी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कैसे कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर। राज्यसभा में कल जो उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस की वजह से महाराष्ट्र सरकार में कुछ भी नहीं हो पाया, उसके बाद उन्होंने ये भी सबसे बड़ा इल्जाम लगाया था कि कोरोना काल में जो कांग्रेस थी उन्होंने ही मुफ्त टिकट बांटे थे पर प्रांतियों को, जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ जा पाए और कोरोना फैला है। ऐसे कई इल्जाम कल पीएम नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। वहीं हमने घटनास्थल पर मौजूद होकर नेताओं से बात करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं वो इस आंदोलन पर क्या कहते हैं और साथ ही लगातार जो नारे चल रहे हैं कि शर्म करो मोदी, मोदी को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस लगातार ये मंत्रालय के बाहर से आप साफ साफ तस्वीरें देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। विजय वडेट्टीवार, मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी आंदोलन जारी किया है जहां वो लगातार मांग कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कल कई नेताओं ने अपने बयान जारी किए थे। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के बयान से हैरान है कि वो ऐसे बयान आखिर कैसे दे सकते हैं। वो नाराज नहीं है लेकिन हैरान है क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में जो तीन पार्टी एक साथ मिलकर आई है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो कह सकते हैं कि इनमें से अगर एक भी पार्टी गई तो ये गठबंधन जो है वो टूट सकता है। ये जो तीन पहियों की सरकार है, ये तीनों का एक साथ चलना वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी बीच जब कल पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया तो उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले बोले हैं और इन बयानों को लेकर लगातार कांग्रेस अब नाराजगी जता रही है। और उन्होंने लगातार मांग की है कि पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए, शर्म करो मोदी। मैं आपको एक बार फिर वो आवाजें सुनानी चाहूंगी। इसके साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी जताई है। हमने जब बात करने की कोशिश की तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। मोदी के खिलाफ लगा रहे नारे के विरोध में वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक बार। मंत्रालय के बाहर ये साफ साफ आप देख सकते हैं आंदोलन चल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से वक्तव्य देश की लोकसभा में उन्होंने दिया है वो दुर्दैव है, निंदनीय है। पूरे देश के जितने भी प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में
लॉकडाउन के दौरान फंसे थे उनको मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने सब जगह किया है, पूरे देश में किया है। दिल्ली में जहां पे उनका केंद्रीय शासन है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन सप्लाई करके मदद किया है। मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग कोने पे अलग अलग राज्यों से रहने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लॉकडाउन के दौरान अपने गांव जाना था, उनको ट्रेन, उनको टिकट निकालने का, उनको भेजने का, सुरक्षित उनके गांव करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी देश के नौजवानों को रास्ते पर पैदल चलते हुए, भिलकते हुए, मरते हुए नहीं देख सकती है। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा नहीं थी और उनके वक्तव्य से लोग काफी आहत हुए हैं। उनको अपनी बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए और उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे मुंबई का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव हो, आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीय समाज ये सबको सबक सिखाए बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर, हर विषय पर, हर क्षेत्र में फेल रही है और कांग्रेस के लोग आगे आकर चाहे सत्ता में हैं या नहीं है लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं और ऐसे में अपनी जवाबदेही से बचते हुए और जिन लोगों ने मदद किया है उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना और पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करना, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र को भी बदनाम किया जा रहा है, भारतीय जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो मेहनत कर मजदूर हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निंदनीय है। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जब जब चुनाव आता है तो इस तरह से कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा लाई जाती है, कभी हिजाब की चर्चा लाई जाती है, अब महाराष्ट्र के प्रवासी मजदूरों की बात लाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा हर चुनाव के पहले देखने को मिला है।